ठंडा है? हाँ ठंडा है, चिल्ड है। तो अभी पूरी कैंपर वैन हमारी फैली हुई है, हमने बेड को समेटा नहीं था, सीट नहीं बनाया, अपना लगेज सारा इसी तरीके से रख दिया था और आगे की दोनों सीट बिल्कुल खाली है। यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर पहले हम लोग अपनी कैंपिंग कर रहे थे, आपने जो लास्ट व्लॉग देखा वो वहीं का था। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि अपने को करनी थी एडिटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो एडिटिंग करने के लिए मुझे होटल में आना पड़ा। और जो हमने अपनी TFT वगैरह रेडी की थी उसमें कनेक्ट होता है अपना ये वाला कनेक्टर, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5.1 एम्पियर का अडेप्टर अटैच होता है जो मैं घर पे भूल गया, उस वजह से हम लोगों को होटल में आना पड़ा और यहाँ पे एडिटिंग करके सारे व्लॉग अपलोड करने पड़े। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं उसका अडेप्टर और साथ में हमें चाहिए इसके लिए आइस क्यूब। अगर कोई इस तरफ आ रहा है रायपुर मैदान उन्ना के अंदर घूमने के लिए, इस प्लेस को विज़िट करने के लिए, अगर उसको होटल की ज़रूरत है तो ठीक 3 किलोमीटर बाद यहाँ पर पड़ता है होटल सी रॉक। और अगर इस ईयर में किसी का शादी करने का प्लान है और वो अपनी प्री वेडिंग शूट कराना चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकता है, इन लोगों ने पूरे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, सेट बना रखे हैं, तो अपना प्री वेडिंग शूट भी कर सकते हैं। तो चले भाई, हो गई वीडियो अपलोड, अपलोडिंग लगी हुई तो रास्ते में होती रहेगी, हमारे पास कैंपर वैन है। हेलो, शुरू करते हैं। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम, माय नेम इज हर्षित और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। चलिए शुरू करते हैं आज की सफर, आज की कहानी। भाई कितना चलोगे बे? चलिए चलिए चले चलिए चलो, अब चलते ही है। तो भैया सबसे पहले रोकना तुम कहाँ पे? चार्जर वाली शॉप पे, ताकि हम अपना अडेप्टर ले सकें। चलो रेडी, एक सेकंड बैच लगा लेता हूँ, मैं लोकेशन लगा लेता हूँ। लेट्स गो मेरे भाई, चले ठीक है, लेट्स रोल, लेट्स रोल, बाय बाय होटल। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे रुके थे अपना अडेप्टर की वजह से, अदरवाइज हमें रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो गई कि अगर इस तरफ कोई आ रहा है तो उसको होटल वगैरह की सुविधा आराम से मिल जाएगी, लेकिन छोटे रास्ते हैं, थोड़े कर्वी रास्ते हैं, तो ड्राइव संभल कर करना। हम लोग भी कर रहे हैं, अभी हर्षित ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं ड्राइव करूँगा क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस लेना है। अभी यहाँ पे मैंने लैपटॉप रखा हुआ है बिल्कुल चालू करके, मस्त चार्जर लगा कि कैंपर मैंने तो फ़ायदा उठाएंगे हम पूरा। ओ माय गॉड फवारा। तो मैंने चार्जर अपना मैंने लैपटॉप चार्जर ऑन करके लगा रखा है वीडियो अपलोडिंग पे, तो यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है, इधर हम ड्राइव कर रहे हैं, इधर व्लॉग बना रहे हैं, मजे ले रहे हैं। सही में तो मैंने भैया को अडेप्टर दे दिया है, भैया चेक कर रहे हैं, अगर इसका USB भी मिल जाता है तो वो भी अपना काम बन जाएगा। हम लोग कल शाम को भी आए थे, अभी शॉप बंद हो गई थी। आ गई भाई, चल गई। चलो मुबारक हो। डर लग रहा था मुझे, हर्षित को तो एक्सपीरियंस है लेकिन मैं, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो अब बड़े हाईवे पे आ गया तो या तो देख के इजी लग रहा है कि आराम से ड्राइव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ड्रोन शॉट जो अभी आपने देखे पसंद आए होंगे। हाँ हर्षित भाई, भाई बिल्कुल अभी तो बढ़िया लगा, हम सोच रहे थे अगर वो विलेज वाला ना होता, पूरा जंगल के अंदर से निकलना होता, ऐसी लोकेशन मिलती तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, पर फिर भी काफ़ी अच्छा शॉट आया, तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको। बाकी तो बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, ड्राइव करने में मतलब मौसम बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, हल्की हल्की ब्रीज लग रही है बाहर से, मज़ा आ रहा है।
तुम सही मजे ले रहे हो? ठंडी हो रही है यार। आहा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह का सीन कैसा है क्या? एक्चुअली हम लोग कल रात को जिस लोकेशन के लिए निकले थे, हमें जाना था सुंदर नगर, लेकिन सुंदर नगर पहुंचे तो फिर वहाँ पे हमारे शिवम भाई आ गए, जो एज ऑलवेज हमसे मिलते हैं। हमारा उनसे ऐसा डिस्कशन हुआ कि रात को 11:30 बज गए, फिर हमने सोचा कि यार वहाँ रुके या फिर अपनी जिस लोकेशन पे हमें जाना है, पहली लोकेशन जिस ह्यूज एक माउंटेन के बारे में सुना था जो बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, तो क्यों ना हम सीधे डायरेक्ट वहीं पहुँचे, क्योंकि मात्र कितना था, 85 65 किलोमीटर था। तो हमने सोचा कि यार रात में ड्राइव कर लेते हैं और रात में ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा तो जल्दी हम पहुँच भी जाएंगे। तो हम लोग ड्राइव करके सीधे उसी लोकेशन पर आ गए, होटल की पार्किंग हमें मिली, हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी और अब सुबह मॉर्निंग में पानी गर्म करें मुंह धोने के लिए क्योंकि हालत बहुत ज़रा ख़राब है भाई। तो होटल की पार्किंग से निकल के आ गए हम अपनी उस लोकेशन पे जो हमें देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा, वो बोलते ना क्या करी थी, एक्साइटमेंट अंदर से ना होती कि ये होता कैसे है, होता कैसे है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ हम किस तरफ आए। हम लोग आए हैं हिमाचल प्रदेश के झिंझेली वाले विलेज के पास। ये आपको पड़ता है सुंदरनगर से राइट साइड में जाके और मांडी से भी इसके लिए एक रोड आता है, झिंझेली नाम से एक प्लेस है और उसके ऊपर शिकारी देवी टेम्पल के नाम से एक मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है, आप गूगल कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कमिंग डेज में हमारे ब्लॉग्स के अंदर भी। तो फिलहाल हम लोग उससे पहले एक पॉइंट पड़ता है पांडवशिला। पांडवशिला यहाँ पे एक ना बहुत ह्यूज पत्थर रखा हुआ है, मतलब माउंटेन का एक टुकड़ा है जिसको कहा जाता है कि आप एक उंगली से भी हिला सकते हो। ये वाला जो पूरा पत्थर है इतना बड़ा, हम लोग देखो कितनी हाइट पे खड़े हैं, ये पूरा पत्थर एक उंगली से हिलता है। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि जब कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट हो जाती है कि है होती कैसे क्या है। काफ़ी टाइम से मैं प्लान बना रहा था इधर आने का, लेकिन आज हम लोग अपनी कारावेन के साथ ट्रिप कर रहे हैं इसको देखने के लिए। सही बात है, तो अभी चेक करते हैं नीचे चल के एक उंगली से हिला के इतने बड़े पत्थर को। चलो चलते हैं। तो यही वो चट्टान का टुकड़ा है जो एक उंगली से हिलाया जाता है, बाकी मैंने आपको बोर्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन दिखा दिया, ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और इसका इतिहास मुझे पता नहीं है, तो बोर्ड पे जो मैंने दिखाई इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी जो आसपास के लोग हैं इस बारे में जानते हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो चले करें, देखते हैं क्या ये हिलता है या फिर सिर्फ एक कहावत है। क्या हो गया मेरे भाई, क्या देख रहे हो? हाँ क्या कह रहे हो, तुम इसको हिलाओगे ये तुम्हें हिलाएगा? तो आगे बढ़ने से पहले मैं शूज रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और अगर कुछ पूजन वाला स्थल है और किसी चीज़ को माना जाता है तो उसे बिना जूते पहन के आगे बढ़ा जाए। फिलहाल यहाँ तक शूज़ पहन के आ सकते थे, ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे आ रहे थे जितने भी लोकल्स हैं, तो हम लोग भी पहन के आ गए। अब इसके आगे जो ये बाउंड्री बनी हुई है, जो ये रस्सी लगी हुई है, इसके आगे हम लोग बिना शूज़ के जाएंगे। देखना, मुझे लग नहीं रहा कि आपको वहां से दिख रहा होगा कि ये हिल रहा है, लेकिन इसके नीचे ना एक लोहे की पत्ती लगाई हुई है जिससे आइडिया लगता है कि ये हिल रहा है या फिर एक जगह स्टेबल है। इस तरफ इसकी शैडो आ रही है और शैडो से भी पता लग रहा है कि ये वाला जो स्टोन है ये हिल रहा है, और मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा, बहुत ही मामूली सा मैं धक्का दे रहा हूँ इसको। हाँ हिल रहा है। हाँ
तो ये है एक चमत्कारी पत्थर, और एक चमत्कारी पत्थर मिला था हमें छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे हम लोग गए थे रायपुर के अंदर, टिनटिनी पत्थर नाम से प्लेस था। उसके ऊपर एक पत्थर से अगर नॉक करते थे तो आवाज़ आती थी घंटी वाली, टन टन टन। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके देखना। तो ये थी आंखों देखी गवाही जो मैंने आप लोगों को दिखाई। हर्षित कंफर्म है ना भाई, हिल रहा है भाई, मैं पूरा चिमटा गिर गया। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एडवेंचर में, जो कि बहुत खतरनाक बनने वाला है। हाँ। बहुत खतरनाक होने वाला है और बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज है 31st नाइट, न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे कुछ अलग अंदाज में। तो आपको पता ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। वॉन्डरिंग हर्षित राइडिंग विद पीस, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय बाय।